बात करेंगे आज स्किन केयर। हम सुंदर बनना चाहते हैं, पर ये सुंदर बनना कितना हेल्दी होना चाहिए, क्या चीजें हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इस पर हम करेंगे आज बात। हमारे साथ है खास मेहमान, ब्यूटी एक्सपर्ट रानी सिंह। रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, जी। और आज मैं यहाँ आई हूँ। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया अपने इसमें इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जो आप ब्यूटी ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट के तौर पे कर रही हैं, ये कौन सा कोर्स किया आपने और क्या क्या पढ़ाई की इसके लिए? मैंने VLCC से कोर्स किया, मुझे 10 इयर्स हो चुके हैं, और मैंने VLCC से मास्टर कोर्स किया था जिसमें हेल्दी ब्यूटी और स्लिमिंग सारा चीज़ इंक्लूडेड था हमारा, तो मैंने सारे इस पे किया था। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। और 10 साल का एक्सपीरियंस तो भाई मैटर करता ही है, तो इन 10 सालों का एक्सपीरियंस हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हम लोग मेकअप कर लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, जो भी लगा लगा लिया, तो मेकअप का असर कैसा पड़ता है स्किन पे, कितना पॉजिटिव होता है और कितना नेगेटिव होता है? एक्चुअली मैम देखिए, मेकअप जो है बहुत परसेंटेज बहुत बढ़िया भी है, बहुत परसेंटेज थोड़ा नुकसान भी करता है। क्योंकि देखिए, मेकअप जब कहीं आप जा रहे हो, थोड़ा पार्टी शादी कुछ है आपका फंक्शन, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर रोज डेली यूज करोगे तो वो खराब हो जाएगा स्किन। स्किन को क्या करता है ना, वो डेली डेली यूज करने से स्किन को डल डैमेज बहुत सारा ऐसे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत केमिकल मिक्स होता है मैम, और अगर आप उसको डेली वर्क में यूज करोगे तो वो खराब कर देगी स्किन को। जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है उसे खत्म कर देगी, प्रॉपर वे में खत्म करेगी। अच्छा, तो जो भी हम मेकअप लगाते हैं जिससे लगता है कि हम मेकअप कर रहे हैं और स्किन डैमेज हो रही है, तो इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे हम स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे देखिए मैम, ट्रीटमेंट के तौर पे आपको सबसे पहले हमारे ब्यूटी लाइन में, शॉर्ट में मैं बताती हूँ, CTMT, ये जो है क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर एंड SPF, जो हमारा सन प्रोटेक्शन करता है। ये हमारे VLCC में हमें पढ़ाया गया था कि आप इस चारों चीजों को जब यूज करते हो तो आपका स्किन प्रॉपर वे में हेल्दी रहता है। उसके अलावा मंथली आप क्लीनअप या फेशियल लो तो उससे और बेहतर रिजल्ट रहता है। और अगर आप मेकअप भी करते हो तो थोड़ा परसेंटेज ही वो डैमेज कर पाता है, अगर आप ये सब सारी चीज यूज कर रहे हो तो। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन क्या है कि स्किन ट्रीटमेंट जो है, लाइक फेशियल तो बेसिक फेशियल लोग कराते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट आ गए हैं, हाइड्रा फेशियल भी है और अलग अलग पता नहीं कितने नाम हम लोग सुनते हैं जो हम जानते नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो सबके लिए कॉमनली इफेक्टिव हो? मैम देखिए, कॉमनली इफेक्ट तो बहुत कम ही करता है, क्योंकि हर किसी का स्किन हर तरीके से होता है। जैसे किसी को डिहाइड्रेशन का कमी है, किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, किसी को रिंकल्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसी को तो बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो हर तरीके का स्किन होता है। बहुत रेयर है जिसका आप एक फेशियल दे सकते हो सबको, तो उसके लिए आपको स्किन टाइप ही देना पड़ता है। जब तक हम स्किन पढ़ेंगे नहीं, उसको जानेंगे नहीं, हम अगर एक ही फेशियल उनको दिया तो वो सूट किया कि नहीं किया, तो फिर तो स्किन डैमेज हो जाएगी और ज्यादा होगा, तो अच्छा की जगह बुरा हो जाएगा। तो उसके लिए तो पहले स्किन देखना पड़ेगा, और अभी एक जैसा स्किन मिलना पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि हम लोग खाना जो खाते हैं बहुत केमिकल खाते हैं, हमारे हर चीज में केमिकल पॉल्यूशन, और एयर में घूमना मतलब बिना फेस कवर किए अगर हम बाहर जाए वो भी इफेक्ट करता है, खाना पीना में इतना डैमेज करता है, तो वो एक जैसा स्किन मिलना पॉसिबल नहीं है मैम। तो जो भी ट्रीटमेंट हो, जैसा आपने बताया है, पिगमेंटेशन हो सकता है, रिंकल्स हो सकते हैं, पैचेस हो सकते हैं, कुछ भी तरह की जो डैमेज स्किन है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, ये नॉर्मली हमने जो देखा सुना है, जो आप बता रही प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होता है। कितना एक्सपेंसिव होता है और जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए आप क्या? बेसिकली मैम जैसे देखिए कि अगर जो लोग अफोर्ड कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, कि आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप ये ले रहे हो, बट जो नहीं ले पा रहे तो उन्हें डरने की बात नहीं है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग ये नहीं चल रहा, आपको चलना पड़ेगा, बट बजट थोड़ा आप दूसरा चलो। जैसे इसमें जरूरी नहीं कि आप वही यूज करो, और उसमें ऑप्शंस है आपके लिए। जैसे एडवांस फेशियल जो है हमारा, वो आपको एक बार में फुल पेमेंट करने पे, हैवी पेमेंट करने पे आपको जल्दी मिल जाता है। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, उनका दूसरा प्रोसेस करेंगे, उससे भी तो ठीक हो सकता है। जिनका एक्सेस है और वो करना चाहते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, उनके लिए हमें वो देना है। जिनको है कि नहीं मेरा धीरे धीरे हो बट हो जाए, और है कि पेमेंट अगर कम भी दे रही हो तो ये नहीं है कि आपका नहीं होगा, नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा, पर
थोड़ा समय लगेगा, हमारे पे भी विश्वास कीजिए, अपने पे भी कीजिए कि नहीं, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो एग्जैक्टली आपका होगा। और सबसे बड़ा चीज है कि आपको धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे उनका एक बार में क्लियर कर रहा है तो यहाँ कम से कम 2 से 3 बार लग जाएगा, बट होगा, गारंटी है कि होगा, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है मैम। राइट, तो इनका ये जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी ऑप्शंस हैं कि कम खर्चे में भी आप अपने स्किन की सुंदरता को, उसके हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। यही चीज रानी जी बालों के बारे में भी है, तो बाल भी हमारे नेचुरली पॉल्यूशन से, खान पान से बहुत डैमेज हो रहे हैं, तो हेयर केयर जो है वो स्किन केयर से और बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, उसके ऑप्शन शायद नहीं होते हैं, क्या कहेंगे? उसके ऑप्शंस नहीं होते हैं लेकिन उसको लाना पड़ता है मैम ऑप्शन में। जैसे कि देखिए आप क्या करते हैं, बहुत क्लाइंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि मैम हम तो ऑयलिंग करते ही नहीं है, हमें पसंद नहीं है, हमारा बाल गीला हो जाता है, मैं वॉश नहीं कर पाती हूँ, मुझे यहाँ जाना वहाँ, तो ये सब जो बोलते हैं ना ये सब गलत है। अगर आप खुद पे केयर नहीं कर रहे हो तो आप सैलून में खर्च करने से कोई फायदा नहीं है आपका। और सेकेंड चीज है कि अगर आपके पास अमाउंट इतना नहीं है तो पहले आप होम केयर भी तो आप कीजिए जी। होम केयर अगर आपका प्रॉपर है तो आप नॉर्मल हेयर स्पा भी लेंगे तो हम लोग उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत क्लाइंट का रहता है कि नहीं हमारा जो है हम घर पे प्रॉपर केयर करते हैं बट फिर भी हो रहा है, अमाउंट देने में कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग उन्हें हैवी चार्ज का हैवी सर्विस देते हैं जो लग्जेरियस होता है, जिसका रिजल्ट सही में रहता है। लेकिन जो नहीं दे पाती है तो वो घर पे भी करना नहीं चाहती है, बोलती कि नहीं हमारे पास इतना समय नहीं है, मैं नहीं कर सकती, बट नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। अगर आप समय नहीं दोगे खुद के लिए, पर्सनल केयर के लिए, तो आप फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले है कि आप डाइट प्रॉपर करिए, डाइट में आप जूस फॉलो कीजिए। जूस ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी में बहुत सारे कमियों को हील करता है, क्योंकि उसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। जूस हो गया, फिर आपका ये कोकोनट वाटर हो गया जो हमारा ओरिजिनल प्योर है, तो ये सब चीज़ जो है आपको अंदर से इन्हेंस करता है, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करेगा, हेयर को इन्हेंस करेगा, प्रॉब्लम्स को भी शॉर्ट करने का कोशिश करता है, बट ये वन टाइम में नहीं कर सकता है, इसको थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। हाँ, उसके बाद है कि आप होम केयर ऑयलिंग प्रॉपर कीजिए, बहुत सारा जो भी आप खाना पीना में ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जो सीजनली चल रहा है आप उस अकॉर्डिंग खाइए पीए, मतलब हेल्दी रहने का कोशिश कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। ये टेंशन भी एक थोड़ा है, बड़ा बाल है हाँ, जो बाल को बहुत गिराता है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपने लिए थोड़ा सा वो कीजिए, उसके बाद हमारे पास तो है जो हम उससे आपका स्टार्ट करेंगे, तो बेसिकली चीज़ों से ही, हम बेसिक सामान से ही आपका स्टार्ट करेंगे। अगर हो सके तो आप अगर इधर से अच्छे हैं तो इधर से जल्दी असर कर जाएगा। और जो लोग रेगुलर बेसिस पे वो कर रहे हैं उनका फिर भी नहीं हो रहा, वो अमाउंट भी हमें चार्ज पे कर रहे हैं, तो हमें तो उनको पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं उन्हें यही दूंगी तभी वो सही होगा, तो उस अकॉर्डिंग चलते हैं हम। क्या बात है, मतलब ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में तो इन्होंने बताया, पर मुझे भी सबसे अच्छा लगा कि ये उसके साथ साथ बड़ी ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रही थी, बहुत कंसर्न है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा रानी जी। तो आपने बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताई, आपसे फिर हम आगे कभी और भी डिटेल बातें करेंगे, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही, हमारे पास आप आई, अपने इतना बहुमूल्य वक्त दिया इसके लिए और इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आपका? मैं यही देना चाहूंगी कि आप फेस और हेयर दोनों को अपना समझ के थोड़ा केयर कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट। हमारे पास बहुत क्लाइंट आती है, बोलती मैम हमारा ये प्रॉब्लम है, वो हम कैसे मैनेज करें, या अगर फेशियल का नीड है तो आप लीजिए। बहुत क्लाइंट बोलती कि नहीं फेशियल, पता नहीं उन्हें किसने बता दिया कि फेशियल करने से उनका स्किन खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं फेशियल तो ले ही नहीं सकती। नहीं, ये गलत है, फेशियल लीजिए। फेशियल क्या है ना, जब हम लोग उसको अपलिफ्ट करते हैं, प्रेशर्स देते हैं नॉट्स पे, जब प्रेस करते हैं, क्योंकि वो हमारा एपिडर्मिस टू डर्मिस लेयर तक काम करता है। जैसे हैंड मूवमेंट जब हम लोग देते हैं तो वो हमारा एपिडर्मिस यानी फर्स्ट लेयर पे ही रह जाता है, क्योंकि हाथ को तो अंदर आप वाइब्रेट नहीं करा सकते, बट मशीन जो है हमारा वो आपके डर्मिस लेयर तक काम करता है। डर्मिस से भी एक और लेयर है हमारा जो हाइपोडर्मिस करके आता है, उस पर भी थोड़ा बहुत वो वाइब्रेशन छोड़ता है ताकि नया सेल्स बनने में हेल्प करे। तो अगर जब तक आप मसाज नहीं लोगे, फेशियल प्रॉपर नहीं लोगे, मंथली नहीं लोगे, तो मैं नहीं कह सकती कि आपके प्रॉब्लम्स को कितना परसेंट हटाया जा सकता है, क्योंकि आप इस मंथ कराए फिर 3 मंथ नहीं कराए, 4 मंथ नहीं कराए, तो वो प्रॉब्लम रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, वन टाइम में कभी रिजल्ट नहीं आएगा, ना ही ग्लो आएगा ना रिजल्ट आएगा। उसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले घर में अपने आप को अपना समझ के सब कुछ करें। जैसे एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर लिया तो उससे 5 मिनट हम अपने आप को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, उससे मसाज कर लें। रात का रूटीन है, सुबह में आप लगा के निकल जाओ। और मैंने ये 4 चीज़ बोला स्किन के लिए, CTMP,
ये है क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड SPF। ये हमारे VLCC में पढ़ाया गया चार चीज जो है हमारे लाइफ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फेस के लिए, बाल के लिए ऑयलिंग प्रॉपर कीजिए, हेयर शैम्पू जो आप यूज करें उसको पढ़ के किया कीजिए, इसमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं। हर्बल ले सकते हैं, हर्बल शैम्पू, हर्बल ले सकते हैं या कुछ ऐसा लीजिए जो प्रॉब्लम पे सीधे वर्क करे, ना कि आपको ये कि मेरा बाल सिल्की रख रहा है तो प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम छोड़ो, बाल सिल्की रहना चाहिए, ये नहीं करना है। जो प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम से लड़ना है, पहले प्रॉब्लम खत्म होगा फिर आप उस पे जाइए कि मेरा सिल्की है या क्या है, क्योंकि झड़ना नहीं रुकेगा उससे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच रानी जी, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। तो आपसे फिर हम कभी डिटेल बात करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। और दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही खास मेहमानों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, बाय बाय।